बेटी क्या कर रही है? मिठू ये देखो जबरदस्ती कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो पहले तो आपको मौसम का ही व्यू दिखा दूं। मौसम बिल्कुल ठंडा है, धुंध इसी तरह से डेली बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब विजिबिलिटी एकदम जीरो। तो दो चार दिनों से ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और अभी लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। और ये अभी दिया जला रहे हैं, ये शाम के टाइम का है, कल शाम का, मतलब दोनों दिनों को मिला करके मैंने क्लिप। ऐसे आजकल कैमरा ऑन करने की भी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि पहले डैडी जी होते थे बड़ी खुशी के साथ बैठ जाते थे बाहर, तो बहुत अच्छा लगता था। चलिए अभी धीरे धीरे हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही ना, तो बस। और यहाँ पर ये मॉर्निंग रूटीन चली हुई है। दिन में ना हम परे वाली साइड को बैठ जाते हैं, फिर बस घंटों बीत जाते हैं, कब बीत जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं थोड़ा सा आटा आजकल ज़्यादा मतलब गूंद के रख देती हूँ, फिर दिन में भी बस जो सुबह बना होता है वही खा लेते हैं। ये ना खाना नहीं खाते अच्छे से, इसलिए आज मैंने इनकी फेवरेट डिश मटर पनीर बनाया। और क्योंकि भाई देखिए ऐसे भी तो नहीं चलेगा ना, अगर अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर तबीयत इनकी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए फिर आज बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, तो सब मिल करके आज इनकी अच्छे से तफ्तीश करेंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे इनको। यहाँ पर ये मैं पानी का व्हील खोल रही थी, और अगेन ये काम भी डैडी जी ही करते थे, तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। आप बोलते तो हो ना कि घर छोड़ के नहीं जाना, तो देखिए ना हर एक चीज़ याद दिलाती है उनकी। और यहाँ पर ये पहली रोटियाँ मतलब गाय के लिए जाती हैं। पापा हम भी आपके साथ दादू को खाना देने के लिए चलेंगे। चलो आप भी चलोगे? चलो चलो। एक मेरे पास रह जाता मिठू, रह जा मेरे साथ, मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, कौन रहेगा? आज ना मैंने बहुत दिनों बाद इनकी फेवरेट डिश बनाई है। देखो आपकी फेवरेट डिश बनाई है, फिर तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा, है ना? तो पड़ेगा ही पापा। और नहीं तो शानू बेटी जबरदस्ती खिलाएंगे। दीदी आपका मुंह खोलेगी और मैं आपको खिलाऊंगा। जैसे वो बकरी वाली स्टोरी याद है ना शानू जी? इनको ना एक बकरी वाली स्टोरी याद है। एक मेरी छोटी सी बकरी होती थी जब मैं मतलब छोटी थी, तो उसका बच्चा हुआ एक, और वो ना दूध नहीं पीता था, कुछ खाता नहीं था, तो उसको कैसे खिलाते थे मिट्टू? ये और वैसे ही आज हम क्या किसके साथ करेंगे? चलो भाई खाओ, नहीं तो चलो चालू करो, नहीं तो आज वैसे ही सुबह पता क्या सच्ची गलत सुबह भूखे नहीं होती है। खाने के साथ देखो जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, पर रात खाना खाना बहुत पूरी रात नहीं देनी है, तापमान नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ वेरी गुड। आप भी खा लो खाना। क्या कर रही है मिठू? ये देखो जबरदस्ती कैसे खाना खिला रहे हैं ये। सब बात बच्चों ऐसे खिलाते हैं। हाँ जबरदस्ती खिलाते हैं। आपने खा लिया खाना? ये देखो हमने तो पूरी प्लेट खत्म कर दी है। मैंने चार चार आपको भी पांच पांच भूल के खा लिए। आपको भी पूरा पनिश करना होगी। बस बस अब नहीं खाऊंगा। प्लीज प्लीज करो, नहीं तो हम दोबारा आपको वैसे ही खिलाएंगे। नीचे हो जाएगा। दादू ने भी कर लिया बिग बॉस, नंदू ने भी कर लिया बिग बॉस, और हम भी कर लिए बिग बॉस। अरे बाप रे, क्यों सानवी की? सानवी ने भी कर लिया? आज सानवी तो वही अपने हाथों से खा रही है, खूब पेट भर के खाएगी ये। तो मुझे चार चार फुलके खाने हैं। चार चार फुलके खाने हैं? दो दो फुलके। अच्छा, और पापा को किसने खिलाया? मैंने। शानवी ने खिलाया है ना? वेरी गुड। शानवी ने यार तभी पापा ने खाना शुरू किया। हाँ, अगर शानवी ने नहीं खिलाया होता ना तो पापा शुरू भी नहीं करता। तो सबसे अच्छा बच्चा कौन? शानवी। अच्छा जी, सब अच्छे अच्छे। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आप उस दिन पूछ रहे थे ना
कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तो यार ये चीज जैसे हमने मैंने देखा ना डैडी को वहां से वहां स्ट्रेचर में पड़े हुए थे, तो यार ऑब्वियस ही बात है उस वक्त मैं अपना आपा बिल्कुल थोड़ा सा खो गया था। तो जैसे ही मतलब उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था डैड, तो उस वक्त कोई नहीं था वहां पे, मतलब जैसे एक शायद एक डॉक्टर होना साइड में खड़ा। मैं तो देख के उनको मेरे साथ मतलब कि यार कोई बोल नहीं सकता मैं उस वक्त क्या। फिर पता क्या होता है आजकल आपको पता है कि यार कहीं भी जाओ आप, चाहे हॉस्पिटल लो चाहे कोई हो, कोई नहीं सुनता यार। पता कहाँ पे एकदम सबसे ज्यादा गुस्सा आया ना, क्योंकि मेरी मम्मी को भी वैसे ही हुआ था उसी हॉस्पिटल में कि मम्मा मतलब कि वो भी बिल्कुल ठीक थे, वो बस बुखार आया उनको और एक दिन वो दो दिन एक दिन एडमिट रहे। सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठे और वो जैसे मुंह वगैरह धोए और ऐसे बैठे और डैडी पीछे थे बेड पे और जैसे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते लगाते वो एकदम ही ऐसे कड़क हुई और ऐसे गिर गई। इंजेक्शन के बाद भी दिन हार्डली 10-15 सेकेंड के अंदर की 20 सेकेंड के अंदर। तो यार मुझे तो इस हॉस्पिटल में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है। तब मुझे एकदम बहुत गुस्सा आ गया, मैंने कहा लो इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया डैडी को, क्यों ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिटाया हुआ है। तब मुझे मैंने कहा चलो थोड़ा कहना कैमरे को ऑन करता हूँ ताकि फटाफट सुनवाई हो जाए, एक्शन हो जाए, और उसके बाद ही हुआ वो, वरना ऐसे कोई नहीं पूछता है। डॉक्टरों की टीम आई, ईसीजी वगैरह, चलो थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसलिए वो मतलब कि मेरे मोबाइल देखना खुद की, हाँ इंसान जब मजबूर होता है ना तो कैसे उसके दिल की फीलिंग्स होती हैं। क्या हम शेयर तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग पीछे वीडियोस में पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसके बाद आपने मिला 15 दिनों तक कोई अपडेट भी नहीं दिया था, तो थोड़ा सा अगर हो कोई चीज़ तो बताना हमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो एग्जैक्टली वो लोग ये बोल रहे थे डॉक्टर कि उनको साइलेंट अटैक पड़ा और उसी टाइम पे मतलब जहाँ पे वो बैठे थे चाय पी रहे थे बिजली दफ्तर में, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। और जब वो यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए तो भी वो डेड ही थे, इस वजह से फिर भी हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अब ये उन्होंने बोला ये हमें नहीं पता, अभी हम जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर, क्योंकि हम जाएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सारी चीज चेकआउट करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? वो हमें नहीं पता कि कहाँ पे डेड हुए क्या, जब जैसे जिस हालत में मैंने देखा ना उस वक्त तो ऐसे पड़े हुए थे, उस वक्त तो डेड हो चुके थे, पर मुझे तो गर्म थी उनकी बॉडी ना, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि मुझे उस हॉस्पिटल में तो भगवान कसम मेरा तो इतना इच्छा ही नहीं होती है वहाँ जाने की भी। मम्मा की भी वहीं पे डेथ हुई थी, डैडी की भी वहीं पे डेथ हुई थी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता था कि यार ऑफिस वाला गुस्सा तो आना ही था कि हाँ भी यार ऐसे लेटे हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना ऑक्सीजन लगाई हुई थी वो, तो मैंने जब मैंने बोला उनको थोड़ा सा मैं गुस्सा आया मुझे, तब उन्होंने ऑक्सीजन वो लगाया वो। तो फिर मतलब चलो आपके साथ भी, मैं उनको बस यही फोर्स कर रहा था कि यार अगर मतलब चलो यहाँ छोटा हॉस्पिटल छोटा तो मतलब यहाँ पे डॉक्टर की कमी होती है, कमी है, मैं रियल जस्ट यहाँ पे है ही नहीं, जबकि इतना बड़ा एरिया है यहाँ का। जब मृदुल के टाइम पे मेरे पेन्स नहीं लगे थे तो यहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया कि आप आगे लेके जाओ मतलब डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमीरपुर में, तो हमीरपुर के लिए गए थे। तो सोचो आप बहुत बड़ा एरिया है सरकाघाट का, तो यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे ही जैसे मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता रही थी, तो डॉक्टर्स का मतलब नहीं, यहाँ पे स्टाफ ही पूरा नहीं है। बिल्डिंग तो बहुत है बड़ी देखने के लिए, लेकिन क्या फायदा उस चीज का अगर एक इंसान को बचाया ना जा सके। और तो हमने बस यही रिक्वेस्ट कर रहे थे यार प्लीज आप एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हम कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, नेहर चौक या चंडीगढ़। पता क्या होता है अपनी तसल्ली करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यार यहाँ पे इतना इक्विपमेंट नहीं है कि यहाँ भी जल्दी से वो हो जाए। तभी बहुत गुस्सा आ गया था एम्बुलेंस के लिए, मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, बोलते हैं डॉक्टर से लिखाओ, ये लिखाओ, वो करो। सच में इतनी फॉर्मेलिटीज, मतलब एम्बुलेंस पहले एम्बुलेंस सामने पड़ी है लेकिन 108 नंबर पे कॉल करो, फिर आप समझ सकते हो ना कि कैसे, मतलब ये हमारी बात नहीं है, ये हम एक आम आदमी की स्टोरी है ये कि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता है। और चलो हम अब तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो अब हम क्या मतलब किसी चीज के बारे में बोलना, लेकिन हम सोशल मीडिया की इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो आगे मैंने सोचा है कि डैडी जी का जो चैनल है उस पर इसी तरह के काम किए जाएंगे। जो डैडी जी ने 25 साल से एक रास्ता नहीं बना था
उसके लिए इतना हाथ पैर जोड़ते थे सबके आगे, अपने लिए वो कभी किसी से कोई डिमांड करते ही नहीं थे, कभी नहीं, हर वक्त कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे जमीन खाली है तो गाड़ियां रहती हैं इधर उधर, वहां पे ये करवा दो वो करवा दो, गवर्नमेंट का मतलब अपनी एक जिम्मेवारी समझते थे कि मैंने इतने साल नौकरी की है तो अभी हम रिटायर्ड आ चुके हैं तो फिर भी मतलब अपना एक फर्ज समझते थे देश के लिए, तो वो सारी चीजें थी। और चलिए मैंने वक्त के साथ अभी हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से हुआ ये या कुछ भी, चलिए वो तो हमारी किस्मत ही खराब थी, हमारे नहीं लिखा था हमारी किस्मत में कि कोई बड़े बुजुर्गों का साया हमारे सर पे रहता, तो अब तो चलो हम यही मान सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मतलब बेसिक चीज पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है तो कल को मेरे साथ भी तो हो सकता है ना, तो चीजों को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं अभी मेरे तो दिल में यही है, मैं रियली बात बता रही हूँ, मेरी दिल की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे दिल में तो यही है कि मैं हर एक चीज को फाइंड आउट करूंगी, अगर साइलेंट अटैक भी है तो कैसे पड़ता है, मतलब अभी एक महीना पहले उन्होंने अपना बीपी वगैरह सब फिट एकदम जब वो दांत उखाड़ने लगे थे तो बीपी चेक करवाया था, तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ना लो की ना हाई की ना कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एकदम इतने रिस्ट पुष्ट आदमी को तो अगर मान लो पड़ता भी है ना साइलेंट अटैक तो मतलब क्यों पड़ता है, जैसे सिम्टम क्या होते हैं हम पहले क्या, देखिए औरों की अगर मान लीजिए मैं इस चीज में सक्सेस हुई, डॉक्टर से अच्छी तरह से मेरी बातचीत हुई तो औरों की भी वो काम आएगी, क्योंकि देखिए चीजें ये इस तरह के हादसे तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं ना। तो चलिए वैसे अब हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि डॉक्टर स्टाफ या किसी और की वजह से या किसी भी चीज की वजह से डैडी जी की जान गई, लेकिन बस आपको बस थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है मतलब, और एक आम आदमी का जीना जिंदगी का कोई मोल नहीं होता, वो सारी चीजें हैं। और बाकी हाँ डॉक्टर्स तो यहाँ के कोऑपरेटिव हैं, जो भी हैं स्टाफ यहाँ पे है अवेलेबल है, काफी कोऑपरेटिव हैं, तो खासकर जो CMO वगैरह सर थे तो उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया समझाया कि भाई बेटा थी नहीं ऐसी बात बचाने वाली, अगर होती तो वो मेरे भी फ्रेंड थे तो मैं मतलब सर सारी चीजें मतलब बताई हमें, पर क्या करना अभी, चलिए बस किस्मत की ही बातें होती हैं सारी, जब किस्मत ही खराब हो जाए तो फिर दुनिया को क्या किसको क्या बोलना। एक्चुअली मतलब पता तो चले ना कि डैडी जी को हुआ तो वो एकदम अचानक कैसे हुआ, मतलब हमें वही चीज हमारे दिल में है कि समझ ही नहीं आ रहा है, कोई एक बार अच्छे से बता देता ना हमें कि कहाँ कमी रह गई, हमारा खान पान से लेकर के डैडी जी इतना हर एक चीज का ध्यान रखते थे और फिर भी कहाँ कमी रह गई, क्यों मतलब भगवान ने आदमी की जान को इतना सस्ता बना रखा है कि एक मिनट भी नहीं लेते उसको छीनने के लिए, और कोई बीमारी होती ना बीमारी होती है मतलब इलाज चल करते हैं या फिर कहीं लेके जाते हैं तब तो मतलब हो भी कि नहीं, एक दिल में मतलब होता है कि यार बीमार था आदमी और उस वजह से हो गया, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बस चलिए अभी आपको भी ज्यादा दुखी नहीं करना, चलो आज आपके कमेंट्स मैंने रीड किए हैं, वो मर जाते वो वापिस नहीं आते संजीव हाँ ये क्या बना रहे हो देखो डेथ माय गॉड की बात नहीं है सर, मरने के बाद वो थोड़ा नहीं आता है, कोई नहीं आता, मेरी दादी वो नहीं थी मेरी दादी वो नहीं थी वो नहीं आती वापिस हुआ ही नहीं, मैंने बहुत रो रो के उनको बुलाया अभी मगर वो कभी नहीं आई, तो डैडी भी वैसे ओह माय गॉड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है सर, ना ही तो मतलब इतनी देर से हम पागलों की तरह कभी डॉक्टर के पैर पड़े, मैंने कोई डॉक्टर आया हमारे साथ किसने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब हम आए ना स्टिचर पे लेटे हुए थे डैडी ना एकदम देख के मुझे धक्का लगा, मैंने स्टिचर पे क्यों लेटे हुए, तो वो डॉक्टर चिल्ला करके बोला ना बोले ये मर चुके हैं इसलिए स्टिचर पे लेटे, मतलब यार कम से कम थोड़ा
अगर मान ले कुछ हुआ, मान ले अटैक या अरे अटैक भी कैसे आता है, उनका हार्ट की प्रॉब्लम कुछ भी, इन केस मैं बोल रही हूँ, इन केस मैं ये सर्जरी इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं अगर सच में डैडी की डेथ हुई होगी ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी आज तक मैंने, नहीं हिमाचल के सिर्फ इज्जत के लिए कभी कोई ऐसी चीज नहीं अपनी चैनल पे दिखाई, लेकिन आज मैं एक एक चीज दिखाऊंगी, हर एक चीज का मैं वो करूंगी, अगर सच में डॉक्टर डेथ हो गई मेरे डैडी की तो, क्योंकि ना हमारे लिए सब कुछ थे वो सर, सब कुछ, मतलब आप सोचो मेरी सास नहीं है, बस फादर, मतलब है ना।